सबसे पहला। अब आप कहोगे जी भोजन तो हम सारे बढ़िया खाते हैं, अब कोई भी भोजन खराब तो नहीं खाता, सारे बढ़िया ही खाते। लेकिन आपको ये नहीं पता जो आप भोजन खाते हो उसमें क्या खराबी है, ये नहीं आपको, क्योंकि वो चीज इतनी बिगड़ गई है उसका किसी को भी नहीं पता। गिनती के लोगों को पता भी क्या खराबी है, बाकी किसी को नहीं पता। हम लोग वो खराब भोजन ही खाते हैं और वो खराब भोजन हमारे शरीर के अंगों को खराब करता है, अंदर जाके जम जाता है, जम भी जाता है, शरीर के अंगों को कमजोर भी करता है। और शरीर के अंग कमजोर होते हैं, पाचन क्रिया कमजोर हो गई, लिवर कमजोर हो गया आपका, हृदय कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गई, आंखें कमजोर हो गई, घुटने आपके कमजोर हो गए, तो वहां पर दर्द होने लग जाता है, वो अंग काम नहीं करते। पैंक्रियाज कमजोर हो गई तो आपको लगता है बीमार पड़ गए। अब आप अपने अंगों को कमजोर क्यों हुए ये आपको पता नहीं, और आप जो है सीधे मोटी बुद्धि से दवाई खानी शुरू कर, बस क्या बीमार हो गया। आपको यह नहीं पता क्या ये सब प्रॉब्लम क्यों आई अंदर, और दवाई खाते हैं, दवाई क्या करती है, दवाई के अंदर में एक गुण है, एक उसमें नशा होता है, आपके कहीं दर्द हो रहा है वो सुन्न करने के केमिकल होते हैं उसमें, जो उसको सुन्न कर देते हैं तुम्हारे शरीर को, बुद्धि को, मन को, नसों नाड़ियों को, मांसपेशियों को सुन्न कर देते हैं। सुन्न करने से आपके कहीं दर्द हो रहा है कहीं, तो वो दर्द जो है सुन करने से आपको महसूस नहीं होता मुझे दर्द हो रहा, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गई, शुगर आपकी बढ़ गई। शुगर को केमिकलों द्वारा खत्म कर दिया जाता है, उसको अंदर से कंट्रोल कर दिया जाता है, आपको लग रहा है कि मेरी दवाई खा के शुगर कंट्रोल है। लेकिन जो अंग शुगर को कंट्रोल करते हैं वो अंगों को जो कमजोर हो गए उनमें वो न्यूट्रिशन दे के उन अंगों को नेचुरली फंक्शन काम नहीं करवाते दवाई, वो अंग कमजोर के कमजोर रहते, बल्कि दवाई खाने से और कमजोर होते चले जाओ, इसीलिए आपके एमजी बढ़ाते चले आ रहे हैं। वो केमिकलों के द्वारा सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं, आपके अंगों को यह ठीक नहीं करते, कमजोर हुए अंगों को ताकत नहीं देती दवाई, कि वो ताकत दे रहे और उनके फंक्शनल एफिशिएंसी काम ठीक करना शुरू करते, वो नहीं करते दवाई, बल्कि उसके केमिकल आपके शरीर को और नुकसान करते। अब आपको पता नहीं है तुरंत एकदम, इसलिए आप दवाई खा के अपने काम में बिजी हो, सारे धंधों में अपने फंसे हुए, मेरा धंधा मेरा काम है, काम ना खराब हो जाए, कहीं ये ना हो नोट ना आए, धंधे काम हो जाए, नोटों के साथ पड़े हो, इसीलिए अपनी सेहत की शुरू शुरू में परवाह नहीं करते, चलन दे बताओ, दवाई खा के भागो काम पे, दवाई खा के भागो काम पे, जरा सी खांसी हो गई दवाई खाओ, जुकाम हो गया दवाई खाओ, बुखार हो गया दवाई खाओ, कुछ जो है ऐसा ज्ञान अंधकार भी फैला हुआ है कि डॉक्टर और ये सब लोग कोई हमें गाइड भी नहीं करता, कोई बताता भी नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम है तेरे को, अब हम बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल ही जाएंगे, बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी गाइड नहीं करते, वो भी कहते हैं दवाई खाओ दवाई खाओ, अब और क्या है डॉक्टर के अलावा, और हमें पता नहीं कहाँ जाए किसके पास जाए। ज्यादा से ज्यादा हम अपना दिमाग यही चला सकते हैं भाई डॉक्टर क्वालिफाइड हो जिसके पास डिग्री हो, बस इससे ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं काम करती। हॉस्पिटल बड़ा हो चमकता बहुत, जहाँ भीड़ लगी हो, मशीनें हो, कंप्यूटर लगे हुए हो, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो, सारे बढ़िया बढ़िया कमरे बने हुए जहां पर, और जाते ही तुम्हारे को कहे आओ जी फटाफट ले जाए, जाते ही फटाफट वहां बढ़िया बढ़िया नर्सें हो, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, कहते ये बढ़िया है, और हम इन चीजों को देखते हो कि यहाँ बड़ी केयर होती है, यहाँ बड़ी फैसिलिटी है, ये देखते हो, और वो फैसिलिटी और केयर के चक्कर में आप उस चमक दमक के चक्कर में और फंस जाते हो, उसके चक्कर में और फंस जाते, और फंस करके आप अपना रोग भी बढ़ा लेते हो, और एक के साथ दो चार रोग और आ जाते हैं, और ठीक तो क्या होना, वह उसमें फंस करके